अब मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगी मैं जस्ट चिराग पासवान को जानना चाहती हूँ और मैं उन्हीं से रिलेटेड वो सवाल पूछूंगी जो मेरे भी जहन में थे और बहुत सारे लोगों के जहन में भी होंगे सो so, वन uh, अभी आपने बताया कि किस तरीके से आपके पापा यू you नो know, घर में तीली वगैरह से धनुष्मान mm -hmm. बनाते थे सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू करते हैं आपके आपके फादर के साथ कैसे रिलेशन थे लाइक like, वो बहुत फ्रेंडली जो बाप बेटे कूल वाला रिलेशन था या फिर बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बहुत लगाम कस के रखी है जैसे जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है सो यस आई मीन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ आई थिंक जितने बिहारी होंगे शायद वो रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग फादर uh, के प्रति सम्मान इतना ज़्यादा होता है कि वो यारी दोस्ती वाला कम्फर्ट नहीं आता है बिकॉज आप इतना लुकअप टू करते हैं उनको सो आई सीन माई फादर ऑल्सो मेरे दादाजी के साथ uh, पापा बहुत कम उनके सामने बोलते थे और वही चीज मैंने भी देखी और मैंने भी वही इनहेरिट की मैं भी पापा के सामने बहुत कम बोलता था जी पापा जी के अलावा वो शब्द ही <laughs> नहीं निकलता था सो वट एवर यूज टू से आई वॉज लाइक जी पापा जी जी पापा जी दैट होंगे हाँ बिल्कुल साथ देखते थे बट ये नहीं कि भाई कोई चौका छक्का लग गया तो उनके सामने मैं उछल कूद <laughs> कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ बट ये इन द लास्ट फ्यू इयर्स पापा मेड दिस एफर्ट टू मेक मी हिज फ्रेंड उन्होंने ये बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल कोशिश उनकी रही वो कंफर्ट उन्होंने मुझे दिया कि जहाँ मैं खुल के उनसे सारी बातें कर सकूँ एंड स्पेशली जब हम दोनों एक प्रोफेशन में आए जब मैं भी जब पॉलिटिक्स में आ गया जब तक मैं मूवीज़ में था स्टिल वो पर्दा था सब था बट जब मैं पॉलिटिक्स uh, में आया तो उस वक्त पापा यूज़ टू तो मेक दिस एफर्ट सॉरी मतलब मैं थोड़ा वो बोलते बोलते वो हो रहा हूँ बट पापा यूज टू मेक दिस एफर्ट यू नो मुझे बुलाना बात करना बैठाना टू गिव मी दैट कम्फर्ट दैट आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनी थिंग एंड एवरी थिंग

इवन uh, uh, पटना में अगर रहता हूँ एंड शीज है तो शी नोज कि मैं कितने बजे उठा हूँ मैं कितने बजे घर पे आ रहा हूँ मैंने लंच किया मैंने डिनर किया नहीं किया दैट वे शी इज अ वेरी केयरिंग लेडी अ वेरी केयरिंग मदर आई थिंक ऑल मदर्स आ बट देन यस डर बोल लीजिए या इज्जत और प्यार बोल लीजिए uh, वो है सो आई ऑल्सो लाइक टू कीप हर इन द लुक और परमिशन लेना अच्छा लगता है पीपल डोंट नो अबाउट चिराग जो चिराग की फैमिली जानती है या उनके क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं या फिर खुद चिराग जानते हैं लेकिन आज कैमरा जानना चाहते थोड़ा थोड़ा well, <laughs> हैं open... मतलब है, किताब रहा हूं। uh... फिर भी हो सकता है कोई फेवरेट चीज हो जिसके बारे में लोग ना जानते हो प्रोबेबली फेवरेट डिश या फिर फेवरेट डिश भी मैंने इनको बता दी थी कि मैं दाल चावल का बहुत शौकीन हूँ राहर की दाल चावल और अचार बहुत खाता हूं आ, मैं ये बोलू कि मुझे म्यूजिक का शौक है ये भी सबको पता ही है मैं सुनता हूं, अच्छा तो तो आपने बताया कि आपका म्यूजिक आपका शौक है तो बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आपने बॉलीवुड में काम कर लिया आप पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं अगर ये दोनों चीजें ना हो तो चिराग क्या होते बहुत मुश्किल है आज की तारीख में आ, नेपो किड्स का ये टैग दे दिया जाता है बहुत आसानी से ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओल्ड हूँ बट हाँ आज से चार दशक पहले का तो हूँ ही मैं और हमारे समय में पिता के नक्शे कदमों पर चलना बुरा नहीं माना जाता था बल्कि आपकी तारीफ़ की जाती थी कि अरे पिता के नक्शे कदमों पर चल रहा है यह हाल फिलहाल के वर्षों में मैं सुनने लगा हूं कि भाई नेपोकेड होना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो गया है या अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलने से बड़ा पाप आप कोई नहीं कर सकते तो, तो मैंने हमेशा से आ, पापा को देखा और उन्हीं से ही सीखा राजनीति ही एक चीज़ है जो मुझे सहजता से आई एंड आई न्यू दिस राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इवन व्हेन मैं मुंबई भी गया तब भी मेरे दिमाग में ये बात बहुत क्लियर थी कि इवेंचुअली आना तो राजनीति में पॉलिटिक्स में ही जाना है मुंबई में जाने के बाद uh, ये प्रोसेस स्पीड अप हो गया बिकॉज वो एक ऐसा समय था जब मुंबई में बिहारियों को ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही थी वहाँ के कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो uh, बिहारियों को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे और ये सब मैंने क्योंकि एक बहुत क्लोज काउंटर से मैंने सब चीज़ें देखी तो उसका आ, एहसास मुझे ज़्यादा हुआ एंड दैट वॉज द टाइम एन आई डिसाइडेड कि अब मुझे वापस जाना है और बिहार और बिहारियों के लिए काम करना है और खासतौर तो पर बिहारियों के सम्मान के लिए काम करना है भाई आप ऐसे नहीं किए बिहारी बोल के किसी पे भी आप लाठी चला दें और किसी को भी हकीकत है आज की तारीख़ में एक दिल्ली वाले को अगर कोई पुलिस पकड़ेगी और एक बिहार वाले को पुलिस पकड़ेगी तो बिहारियों को दो लाठी मारेगी और चार दिन एक्स्ट्रा उसको जेल में रखेगी क्योंकि मेरे प्रदेश की छवि ऐसी बनाई जा चुकी है

अपने बारे में जो एक चीज़ आप पसंद करते हैं एडमायर करते हैं आई थिंक uh, मैं बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बट मेरा काम कंपोज रहना मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मुझे uh, हिला सकती है या झकझोर सकती है uh, और अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया इतनी बुरी खबरें हाल फिलहाल के दिनों में सुनी हैं बैक टू बैक बैक टू बैक तो अगर इन परिस्थितियों में अगर मैं अपने आप का अपना कंपोजर uh, अगर मैं बना के मैं रख पाया तो तो मुझे लगता है कि यही मेरी स्ट्रेंथ भी है पेशेंस uh, बहुत है मुझ में बहुत पेशेंस है सो आई मैन नो रश कि मुझे अभी सब चाहिए जब सही समय होगा तब भी मिलेगा उस उस वक्त तक का इंतजार करने का धैर्य मुझ में जरूर है काफी रेयर क्वालिटी है ये जो हम लोगों को शायद सीखनी चाहिए स्पेशली मुझे सो वन थिंग चिराग फील बैड अबाउट हिम सिर्फ जो आपको आपको लगता है कि कोई ऐसी आदत जो आपको बदलनी है या फिर अब ये है तो है अब क्या करूँ ऐसा ही हूँ इसका भी जवाब मेरा पेशेंस ही है बिकॉज कई बार मेरे आस वाले और मेरे कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया इस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे इस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे आपको इस पर रिएक्ट करना चाहिए उसने ये कर दिया मेरी फैमिली मुझे कई बार बोलती है Uh, जब मेरे बारे में कुछ गलत कहा जाता है या कुछ गलत लिखा जाता है uh, मेरी आदत नहीं है कि मैं उन चीज़ों को मैं काउंटर करूं और मैं बहुत फोकस हो के uh, मुझे मुझे लगता है मैं मानता हूं कि ये सब भटकाव हैं आपको आपके नैरेटिव से भटकाने के लिए लोग आपके बारे में पर्सनल टिप्पणियाँ करते हैं आपके आपके आपकी फैमिली के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं मुझे लगता है कि अगर मैं काउंटर uh, क्वेश्चंस uh, में पढूंगा उनके साथ तो मैं अपने डायरेक्शन से मैं भटक जाऊंगा तो मैं उन लोगों को जवाब नहीं देता और मुझे लगता है इस बात की शिकायत मेरी फैमिली को भी मुझसे रहती, को, को रहती है कि भैया आप क्योंकि अगला सवाल है वो उसका जवाब मेरे ख्याल से हम सबको पता है पर तो फिर भी मैं पूछ रही हूँ वो वक्त वो घड़ी जब आपका एक्चुअली दिल टूटा हो हार्ट ब्रेक हुआ हो दुखी हुए हो आप टूट गए टूट गए वेल आई थिंक पापा का जाना मतलब uh, वो सबसे ज्यादा टफ uh, सिचुएशन थी ए नो वन कैन एवर बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन लाइक दिस बट जिस सिचुएशन में uh, पापा का ये सब हुआ उसके लिए हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे यू नो बिकॉज ही वॉज फिट मतलब उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी मतलब मुझे याद है कि जब पापा को हम लोग हॉस्पिटल भी लेके जा रहे थे तो खुद चल के गए थे एंड फॉर अ रेगुलर चेकअप वो हॉस्पिटल गए थे और और मुझे याद है मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मोमेंट था जब ये सब हो गया और मैं वापस घर पे आया और पापा के कमरे में गया सो आई सॉ अ फाइल कैप नेक्स्ट टू हिज बेड और वो कन्वर्जेशन मेरे को अच्छे से आते है बिकॉज वैन पापा वो गोइंग टू द हॉस्पिटल तो पापा जाते तक मुझे खास तौर पे बोल के गए थे कि इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा ओसीडी की भी प्रॉब्लम है तो मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ चीज़ों को जगह पे रखता रहता हूँ तो पापा को था कि हंड्रेड परसेंट मेरी फाइल उठा के किसी डोर में डाल देगा और मुझे मिलेगी नहीं तो मुझे खास तौर पर बोल के गए थे इसको ऐसे ही रहने देना मैं आके इसको कम्प्लीट करूँगा सो आफ्टर एवरी थिंग आई वेंट बैक टू हिज रूम आई सॉ वो फाइल वैसे ही पड़ी है uh, कलम का ढक्कन भी खुला हुआ था वो वैसे का वैसा ही था सो यस ये मोमेंट्स हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे बट uh, पापा ओनली गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू डील विद सिचुएशंस लाइक दिस ओके जब चिराग सबसे ज्यादा खुश हुए थे वो पहला मोमेंट हो सकता है या फिर कोई आपके जहन में आ रहा हो कि वो एक वक्त जब आप लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ आई थिंक जब मैं uh, 2014 का चुनाव जीता था बिकॉज़ दैट वाज समथिंग जो मैंने अचीव किया था Uh, फिर वापस है नेपोकेट की बात हर कोई कर सकता है बट uh, मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना यू रियलाइज वन आई से कि मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ पे हमारी पार्टी से भी किसी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था और ये जिद थी मेरे अंदर uh, अगर मुझे इजी कॉन्सिक्वेंसीज में जाना होता तो मे बी हाजीपुर हो सकता था या ऐसी जगह जहाँ से पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है या कोई ऐसी सीट पर मैं जाता बट उस वक्त भी मैंने पापा के सामने ही कहा था कि मैं एक ऐसी कॉन्स्टिटुंसी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ जिसको मैं खुद जा कर नरछा करूँ वहाँ के लोग मुझे मेरी वजह से पसंद करें ना कि आपकी वजह से या मेरे बैकग्राउंड की वजह से तो मैं जम्मू ही गया वहाँ पे चुनाव से पहले मैंने काम किया मेहनत की लोगों के बीच अपनी पहचान आ, बनाने की मैंने कोशिश की एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको पॉलिटिकली भी मैं कनेक्ट करके बताऊँ तो भाई राजनीति में जब आप समीकरणों का ध्यान देते हो तो कई बार सीटों का चयन भी उसी के आधार पर किया जाता है कि भाई समीकरण के हिसाब से ये सीटें ठीक होनी चाहिए बट जमुई को मैंने चुना तब जब हम लोग यू के साथ थे और चुनाव आते आते तक गठबंधन बदल गया था हम लोग एनडीए के साथ आ गए थे उस वक्त भी पापा ने मुझसे कहा था कि डू यू वांट टू गिव इट अ सेकंड थॉट एंड आई सेड कि नहीं अब मुझे जमुई के लोगों ने इतना प्यार दिया है और मेरा विश्वास है Uh, ki, uh, अच्छा रहेगा। मैंने और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगी बस एक एक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूँ की शायद आपने इसका जवाब दे दिया है बट अगेन मुझे एक प्राउड मोमेंट जानना है जब आपके पेरेंट्स आप प्राउड थे आप खुद आप पे थे? Uh, अगर आप का कोई स्टेज शो हो सकता है, आपकी रिलीज हो सकती है या फिर uh, हो हो yes, uh, मैं पापा अब मैं समझ सकता हूँ कि भाई जब आप राजनीति में होते हैं तो आपकी व्यस्तता कितनी ज्यादा होती है उस वक्त मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं था पर उसके बावजूद uh, पापा रेगुलरली मेरे सेट पे आते थे घंटों वहाँ पे बिताते थे जब शूट चल रहा होता था एंड स्पेशली एक दो गाने के वक्त जब हम लोग कट्टो गलेरी शूट कर रहे थे hmm. या एक और नीरू के साथ गाना था उस वक्त पूरे पूरे समय तीन तीन दिन के स्कड्यूल पे पापा वहाँ पे रहे सो आई थिंक जब ये पूरा हो रहा था और जब म्यूज़िक लॉन्च पे मुझे लगता है कि पापा वॉज़ वेरी प्राउड फैमिली वॉज वेरी प्राउड बॉलीवुड से अभी भी कोई दोस्त है आपका बात बात कंगना है, जी, जी दोस्ते हैं है हैं। <laughs> बात अभी नहीं होती है ना <laughs> इनको मुझसे ज्यादा पता है <laughs> नहीं आपने कहा था नहीं लेकिन सर मुझे आपसे जवाब चाहिए मुझे नहीं डेफिनेटली यस जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ तो दोस्ती है ही और बॉलीवुड में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आज की भी तारीख में टच में हूँ एंड डेफिनेटली मेरे को एक्टर्स तो हैं जिनके साथ एंड थैंकफुली आज की तारीख में भाई मैं आज शूट नहीं कर रहा कंगना के साथ नहीं तो आज तो उन्होंने नेपोटिज्म का जो फ्लैग बेयरर बनी हुई है रोज मुझे ही गाली पड़ती कि तुम्हारी वजह से ही जिंदगी बर्बाद हुई है थैंक यू सो मच थैंक यू